बना ले रहा है, चाट बना रहे हैं पर अलग तरह से बना रहे हैं। जो मूंग होते हैं मूंग को अंकुरित करके फिर चाट बना रहे हैं। हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया सी है और अदरवाइज बहुत बढ़िया सी लगती है। तो कैसे बनाते हैं और किस तरह से वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी इस तरह से मैंने मूंग लिया है, इसे मैंने अंकुरित कर दिया है। तो मैंने क्या किया है, जो मूंग थे उसे मैंने 8 घंटे तक भिगोया, उसके बाद उसका पानी पूरा निकल के फिर कॉटन के कपड़े में उसको बांध के इस तरह से मैंने 8 घंटे रखा है। तो इस तरह से ये श्रवणी हो गया है, आप देख सकते हो। इसकी चाट तो बहुत बढ़िया सी लगती है। अभी मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताती हूँ। अभी गैस को ऑन कर दिया है तो इसमें हम 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो रहा है तो हम इसमें 1/4 जितना हींग डालेंगे। साथ में हल्दी और स्वादानुसार नमक, इसे हिला देते हैं। और इसके साथ ही हम दो मूंग हमने स्प्राउट किए हैं वो डाल देते हैं। इसमें राई जीरा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से इसे हिलाने के बाद इसमें हम 1/2 ग्लास जितना पानी डालेंगे। इसे हमें बॉईल करना है तो 1/2 ग्लास जितना पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद इसे हम ढक देते हैं और इसे बॉईल होने देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, काफ़ी हद तक हमारा जो पानी था वो सोख गया है। और इसे 2 मिनट पकाते हैं, मीन्स क्या होगा कि जो पानी है वो भी सोख हो जाएगा। और मैं इसे पूरा गलने तक नहीं पकाती हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही रहने देती हूँ। तो 2 मिनट के बाद अच्छी तरह से हो जाएगा। 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। बढ़िया सा अच्छी तरह से हो गया है, पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल पानी नहीं है। अभी हम गैस बंद कर देते हैं। अभी चाट बनाने के लिए हमने जो बॉईल किए थे वो भी मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। उसके साथ मैंने मिक्स चिवड़ा लिया है, सेव लिए है, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, धनिया, प्याज, टमाटर, हरी चटनी और मीठी चटनी। अभी हम चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम बड़े बाउल में चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जो मूंग हमने बॉईल किए हैं वो ले लेते हैं। मैं एक मेंबर के लिए बना रही हूँ, इसी हिसाब से मैं पूरी सामग्री डालेंगे। मैंने मूंग ले लिए हैं स्प्राउट किए हुए, इसके साथ डाल रही हूँ प्याज, टमाटर, इसको मिक्स कर देते हैं। जितनी भी सामग्री डालेंगे उतनी हम मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। अब इसमें दाल डालते हैं मिक्स चिवड़ा, इसे भी मिक्स कर देते हैं। सेव, एक चीज रह गई है बूंदी, मैं बूंदी ला रही हूँ, बूंदी डाल रही हूँ टेस्ट के लिए। साथ में मीठी चटनी, हरी चटनी, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। रोस्टेड जीरा पाउडर, लाल मिर्च और चाट मसाला वो भी मिक्स कर देते हैं। सब
सब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अभी इसे डिश में ट्रांसफर करते हैं। अभी डिश में ट्रांसफर करते हैं। देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी लग रही है। अभी इसमें हम थोड़ा सा और सेव डालेंगे। थोड़ी सी हरी चटनी। लाल चटनी। टमाटर एक दो पीस। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं, साथ में चाट मसाला और रोस्टेड जीरा पाउडर और लास्ट में धनिया। इस तरह से अंकुरित चाट बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर मुँह कोई खाता नहीं हो या ऐसे कुछ अंकुरित पसंद ना हो तो इस तरह से भी आप बना के खाओगे तो भी बहुत इंटरेस्ट से खाएंगे। इसी तरह से बनाइए और अपने बच्चों को, फैमिली को जरूर खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।